आज हम आपको एक ऐसे डाकू के बारे में बता रहे हैं जिसने दस्यु सुंदरी फूलन देवी का अपहरण कर उसे डकैत लाला राम ठाकुर की गैंग के हवाले कर दिया था। बदला लेने के लिए फूलन देवी ने दिन दहाड़े 21 लोगों को गोलियों से भून दिया था। उस डाकू का नाम था छेदा सिंह, जो उत्तर प्रदेश के औरैया का रहने वाला था। छेदा 20 साल की उम्र में डाकू लाला राम गिरोह में शामिल हो गया था। साल 1980 में उसने अपने प्रतिद्वंदी विक्रम मल्लाह को मारकर उसके गैंग का सफाया करने में अहम भूमिका निभाई थी। इतना ही नहीं, वो विक्रम मल्लाह की प्रेमिका फूलन देवी को अगवा करके अपने साथ लाला राम के गिरोह में ले आया था। कहानी इस तरह है। फूलन जब अपने गांव में डाकू के संपर्क में आई थी तो उसे डकैत बाबू गुर्जर और विक्रम मल्लाह दोनों पसंद करने लगे थे। फूलन के लिए दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे। एक दिन विक्रम ने मौका पाकर बाबू गुर्जर को गोलियों से भून डाला। एक महिला के लिए बाबू गुर्जर की हत्या होना ठाकुरों के एक गैंग को नागवार गुजरा। उस गैंग की कमान श्रीराम ठाकुर और लाला ठाकुर के पास थी। दोनों इस हत्या के लिए फूलन को दोषी मानते थे। वो फूलन से बदला लेना चाहते थे, लेकिन जानते थे कि विक्रम मल्लाह ऐसा होने नहीं देगा। इसलिए सबसे पहले उन्होंने विक्रम मल्लाह को ठिकाने लगाया। डाकू छेदा सिंह ने मौका पाकर विक्रम मल्लाह की हत्या कर दी और फूलन को अगवा कर लिया। अपहरण के बाद ठाकुर गैंग फूलन को बेहमई गांव ले गई। ऐसा कहा जाता है कि बेहमई में 3 हफ्ते तक डकैतों ने फूलन से जबरदस्ती की। ये कहानी फिल्म बैंडिट क्वीन में दिखाई गई है, लेकिन इसमें कितना सच है इसकी पुष्टि आज तक नहीं हो सकी। इस घटना के बारे में एक बार फूलन से सवाल पूछा गया, तब जवाब में फूलन ने कहा था कि ठाकुर ने उस वक्त मेरे साथ बहुत मजाक किया था। कोई महिला खुद बलात्कार की बात को कैसे स्वीकार कर सकती है। खैर, घटना चाहे जो हुई हो, लेकिन यह सच है कि ठाकुरों ने 3 हफ्ते तक फूलन को बंधक बनाकर उसका घोर अपमान किया था। कुछ समय बाद फूलन किसी तरह लाला राम गैंग के चुंगल से छूटकर भाग निकली और बदले की आग में जलते हुए उसने बेहमई कांड कर डाला। अपने साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध लेने के लिए फूलन ने 21 लोगों को लाइन में खड़ा कर उन्हें गोलियों से भून डाला। इस घटना ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी। फूलन के खौफ से छेदा सिंह ने 1984 में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद वो जमानत पर जेल से बाहर आ गया। साल 1998 में उसने अयाना थाना क्षेत्र के जसवंतपुर गांव के 4 लोगों का अपहरण कर लिया। इसमें से कुछ लोगों को फिरौती के बाद छोड़ा गया। इस दौरान एक अपहर्ता को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान छुड़वाया था और छेदा सिंह इसी मुकदमे में फरार चल रहा था। मुठभेड़ के बाद पुलिस उसे कभी पकड़ ना सकी। 2015 में पुलिस ने आरोपी छेदा सिंह के खिलाफ 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। गिरफ्तारी के डर से डाकू छेदा सिंह हुलिया बदलकर साधु के वेश में मध्य प्रदेश के सतना के पास चित्रकूट के एक मठ में 24 वर्षों तक छिपा रहा। वहां वो ब्रिजमोहन दास महाराज के नाम से रह रहा था। वो अविवाहित था और उसने कागजों में अपने आप को मृत घोषित करवा दिया था। उसके परिवार वाले भी यही दावा करते रहे, लेकिन पुलिस को यकीन नहीं था। पुलिस ने बताया कि फरारी के दौरान छेदा सिंह फर्जी दस्तावेज बनाकर साधु बनकर चित्रकूट के आराधना आश्रम जानकी कुंड में सेवादार बनकर रह रहा था। उसने ब्रिजमोहन दास के नाम से फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड भी बनवा रखे थे। डाकू छेदा सिंह को पुलिस कई सालों से तलाश रही थी। जब पुलिस को मुखबिरों से जानकारी मिली कि छेदा सिंह अपने पैतृक गांव भैसौन थाना आयाना जिला औरैया आया हुआ है, तो उसने छेदा के घर पर दबिश दी और 26 जून 2022 को उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह 24 साल के बाद डाकू छेदा सिंह को पुलिस पकड़ने में कामयाब रही।
छेदा सिंह के खिलाफ विभिन्न थानों में फिरौती और लूट के दर्जनों मुकदमे दर्ज थे। उसको गिरफ्तार करने वाली टीम को 50,000 की राशि से पुरस्कृत किया गया। गिरफ्तारी के करीब एक महीने बाद 25 जुलाई 2022 के दिन 69 वर्षीय डाकू छेदा सिंह को पुलिस इटावा जिला जेल ले आई थी। इस दौरान रात में अचानक छेदा की तबीयत बिगड़ गई। उसे तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने छेदा सिंह की हालत को गंभीर बताते हुए उसे सैफई ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। उपचार के दौरान 26 जुलाई को सुबह छेदा सिंह ने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों ने बताया कि छेदा सिंह टीबी की बीमारी से पीड़ित था, जो उसकी मौत की वजह बनी।